हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना शुरू करो, मैं आपके साथ बस एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो पॉजिटिविटी के बारे में नहीं है, एडवेंचर के बारे में नहीं है, हैप्पीनेस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक उस इंसान के बारे में है जिसने अपना पूरा 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 लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल किया है, अपने साथ स्ट्रगल किया है, अपने करियर के साथ स्ट्रगल किया है और अब सिस्टम के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये वीडियो किसी के कंप्लेन करने के लिए भी नहीं है, बस उस एक इंसान को एक दिया हुआ प्रॉमिस है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश से कि भगवान मेहरवान तो लंगड़ू पहलवान, हिमाचल की पहलवान है, बहुत अच्छे पहलवान रहे। सरकार ने कोई वो नहीं दिया मेरे को बेनिफिट कि छोटी मोटी भी जॉब मिल जाती तो अपनी रोटी में यीशुदामा का रोल नहीं करना पड़ता। हमारी जो गवर्नमेंट है बड़ी कच्ची गवर्नमेंट है कि जिसको पोस्ट मिल जाती है वही भगवान बन बैठा है, गरीब की इसकी मजबूरी नहीं समझते लोग, तभी तो हमारी गरीबी है। एक भी कॉन्स्टेबल आता है, चल भाई यहाँ से खड़ा हो, कि जो भागने लाख है उसको भगाते हैं, जो बेचारा भागने लाख नहीं है, जो बड़े बड़े शोरूम बाहर के लोग आ रहे हैं उनको बिठाते हैं। अभी पैसे वाले की सरकार है, गरीब की सरकार तो है नहीं। आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उस टाइम से कुछ तो लड़ रहा हूँ कि आज से 1997 में 18 साल मेरे खर्चे से मैंने कुश्ती लड़ी है। अब लोग सोचते हैं कि कुश्ती के लिए ताकत चाहिए बेटे। हाँ जी। अब मेरे माता पिता दिहाड़ी करते थे, 10-15 रुपए दिहाड़ी करते थे। हाँ जी। बहुत गरीब थे, जो बहुत गरीब हूँ बेटे, कोई किसी ने हेल्प नहीं करी। ये देख ये विधायक सोहन लाल घनाटी से वेलफेयर वालों से लोन भी मांगा था मैंने, तब अच्छा। भी नहीं मिला। अच्छा, ये कुछ करे गवर्नमेंट, कभी ये सब क्यों भगा देता है नया कोई कोई। देख ये हमारे माता की मंदिर, ये राजा वीरभद्र है, इनाम देते छोटा मोटा इनाम, ये मैं हूँ 1997 में आपके। बहुत ही गरीब आदमी हूँ, गरीबी का शिकार हूँ बेटे, कुछ करवा मेरे बारे में नेताओं से, और मेरा कोटा मिलना चाहिए जिसे वजीफा मिलता है। तो इसका अंकल आपको अभी फिजिकली डिसेबल्ड का तो मिलता होगा कोटा वगैरह, ये आपके टांग में प्रॉब्लम है ना, तो इसकी वजह से कुछ तो वो मिलता होगा। हाँ हाँ, विकलांग पास बना। हाँ जी हाँ जी। और पेंशन देती है गोरी। अच्छा, वेलफेयर वाले। हाँ जी हाँ जी। बाकी जो वजीफा लगता है, जैसे बाहर के पहलवानों को वजीफा मिलता है, या मैं कोच बनना चाहता हूँ, बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, जो बच्चा सीखता है उसको थोड़ा सा जिम बनाना चाहता हूँ, जिम के लिए लोन चाहता हूँ, मिलना चाहिए थोड़ी सी जगह हो कोई। हाँ जी। मेरा प्रोग्राम और बाकी क्या, अब कुछ तो सारी ज़िंदगी लड़ नहीं सकता गरीब परिवार से, कहीं नौकरी झाड़ू पोछे की मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं अंकल, अगर आप पहलवानी में आपका इंटरेस्ट है तो आपको पहलवानी में मतलब बहुत है जो आप कर सकते हैं, बच्चों को सिखा के और कुछ ना। हाँ, कुछ तो है। बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, और ये मैं हिमाचल प्रदेश का छोटा मोटा कोच बन सकता हूँ। हमारी जो भूमि है देवताओं की भूमि है, जय हिंद जय हिंद जय भारत।